परभणी जिले के सीमावर्ती महाराष्ट्र सारंगखेड़ा के 21 दिनी चेतक फेस्टिवल में प्रतिदिन अश्वों की अलग अलग प्रजातियों की प्रतियोगिता की जा रही है, जहां नंदुरबार लोकसभा सांसद डॉक्टर हीना गावे ने बताया कि देश दुनिया में विख्यात अश्व मेले में अलग अलग प्रजातियों के अश्व यहां आते हैं, जिन्हें देखने हजारों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। दरअसल देश भर में प्रसिद्ध चेतक फेस्टिवल में एक से एक अश्व लाए जाते हैं, जहां नुकरा, काठियावाड़ी एवं अन्य प्रजातियों के घोड़े आते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। बड़वानी जिले से लगे महाराष्ट्र सारंगखेड़ा में प्रतिवर्ष 21 दिनों का चेतक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। वहीं इस वर्ष चेतक प्रीमियर लीग के अंतर्गत विभिन्न अश्व प्रतियोगिताएं की जा रही है। वहीं अश्व नृत्य प्रतियोगिता में अलग अलग क्षेत्रों से आए अश्वों को नृत्य करवाया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से लोगों की भीड़ उमड़ी। मेला प्रेसिडेंट जयपाल रावल ने बताया कि 21 दिनों के चेतक फेस्टिवल में आने वाले अश्वों की कीमत करोड़ों तक होती है, जहां अश्व प्रेमियों द्वारा बोली लगाकर खरीदी भी की जाती है। मेरे संसदीय क्षेत्र में होने वाला ये सबसे बड़ा चेतक फेस्टिवल है और हर साल कई वर्षों से यहाँ पे यात्रा होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस यात्रा का जो स्वरूप है वो और भी बड़ा हो चुका है और पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से यहाँ पे अलग अलग जातियों के घोड़े यहाँ हर साल आते हैं और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में इतना बड़ा स्केल पर घोड़ों का कोई उत्सव नहीं है जो हमारा सारंगखेड़ा में होता है। तो हमें गर्व है कि हमारे इस क्षेत्र में इस तरह का एक बड़ा फेस्टिवल हर साल होता है। बीच में दो साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया, लेकिन इस साल 21 दिन का ये पूरा चेतक फेस्टिवल हो रहा है। इसमें अलग अलग प्रकार के घोड़े, उनमें अलग अलग प्रकार की कलाएं, जैसे डांस है, रनिंग है, घोड़ों की रेस है, तो इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ लोगों को जो यात्रा में आते हैं उन्हें देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अवसर है धुले, नंदुरबार, जलगांव, पूरे उत्तर महाराष्ट्र के लोगों के लिए जो यहाँ आके इस प्रकार की एक्टिविटी में हिस्सा भी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं। हम चेतक फेस्टिवल सारंगखेड़ा का अश्व बाजार, इसे ऐतिहासिक ऐसी हिस्टोरिकल परंपरा है और उसे हम आज तक निभाते आ रहे। इस साल चेतक फेस्टिवल में हमने विभिन्न प्रकार की अश्व स्पर्धाओं का आयोजन, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था और कल ही चेतक इक्वाइन प्रीमियर लीग के अंतर्गत यहाँ पे इक्वाइन स्पोर्ट्स अश्व क्रीड़ा का अच्छी प्रतियोगिता हुई। आज हमारे यहाँ अश्व नृत्य स्पर्धा है। दो दिन में हम अश्व सौंदर्य स्पर्धा यानी अश्व प्रदर्शनी हॉर्स शो का हमने आयोजन किया है। कल यहाँ पे काठियावाड़ी हॉर्स शो होगा, 19th को नुकरा का हॉर्स शो होगा, 20 को नुकरा का हॉर्स शो होगा, 19th को काठियावाड़ी का हॉर्स शो होगा, 21 को मारवाड़ी और 22 को भी मारवाड़ी का हॉर्स शो होगा, 20 को रेवाल चाल की प्रतियोगिता होगी। इसी तरह हमारे साल ये चेतक फेस्टिवल को हम नए प्रतियोगिता का आयोजन करते है। यहाँ पे हमने एक राष्ट्रीय अश्व चित्र और शिल्प प्रतियोगिता आयोजित की थी, उसमें करीबन 21 राज्य के लोगों ने हिस्सा लिया और 200 पेंटिंग हमने उसमें से सिलेक्ट की। करीबन 700 पेंटिंग हमारे पास आई थी, उसमें से हमने 200 पेंटिंग का सिलेक्शन किया और उसका भी हमने एक उसके लिए जो विनर्स है जो उनके भी अच्छे अच्छे पेंटिंग यहाँ पे लगे हुए है। सारंगखेड़ा का चेतक महोत्सव ये देश का अनोखा अश्व महोत्सव की तरह आगे जा रहा है और इसमें आप सबका सभी का सहभाग है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।